हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में टेक्निकल टेक पे। तो गाइस, गाड़ी है महिंद्रा बोलेरो, गाड़ी का प्रॉब्लम है गाइस हेडलाइट का। तो इसका हेडलाइट अपर पॉइंट जलता है और डिपर नहीं जल रहा है, तो ये है गाड़ी का प्रॉब्लम। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है इसमें प्रॉब्लम, फ्यूज का है ना, वायरिंग का है ना, ये स्विच का प्रॉब्लम है। अभी आपको हम दिखाता है। तो देख सकते हैं अभी हेडलाइट हम जला के रखा है, लेकिन यहाँ पे हेडलाइट नहीं जल रहा है और अपर पॉइंट जलेगा अभी जलाने से। तो देख सकते हैं अपर पॉइंट जल रहा है, हाई बीम जल रहा है। तो अभी हम सबसे पहले चेक करेंगे फ्यूज़ को। कई बार क्या होता है, फ्यूज़ ख़राब हो जाता है। तो फ्यूज़ ख़राब होने की वजह से ऐसे आपका अपर नहीं, या डिपर नहीं जलेगा, या तो हाई बीम नहीं जलेगा। तो इसका फ्यूज़ रहता है, एक तो रहता है यहाँ पे, लेकिन इसका हेडलाइट का फ्यूज़ आगे में है। तो चलिए अभी हम बोनट खुलते हैं, आपको दिखाता है इसका फ्यूज़ कहाँ पे है। तो यहाँ पे है इसका फ्यूज़ बॉक्स, और यहाँ पे देख सकते हैं हेडलाइट का, यहाँ पे हेडलाइट का रिले और फ्यूज़ मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे है लॉबीम का, तो ये है लॉबीम का रिले, और ये है हेडलाइट का हाई बीम का रिले। और यहाँ पे आपको दो फ्यूज़ देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे हाई बीम का फ्यूज़ है और यहाँ पे लो बीम का भी फ्यूज़ है। तो चलिए अभी कवर को निकालते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है रिले, ये दोनों रिले हैं और यहाँ पे फ्यूज़ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे है दोनों हेडलाइट का फ्यूज़, और देख सकते हैं ये एक टू फ्यूज़ हमको ख़राब मिला है। तो ये वाला फ्यूज़ ख़राब है, और यहाँ पे और एक फ्यूज़ है, इसको भी चेक कर लेता है। तो ये फ्यूज़ अच्छा है। तो देख सकते हैं जब मैंने दो न्यू फ्यूज़ लेके आ चुका है, और ये दोनों ख़राब है, मतलब एक टू ख़राब है और एक टू एक एम्पियर थोड़ा कम है, तो इसलिए हम इसको नहीं लगाएगा। देख सकते हैं इसके बीच में जो यू है, वो यू डिसकनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। और ये देख सकते हैं एक अच्छा फ्यूज़, देख सकते हैं इसके अंदर में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये अच्छा है। तो अभी हम इसको लगाएंगे, ये दोनों अच्छा है, न्यू है। तो हेडलाइट में हमेशा आपको ये फ्यूज़ लगाना है 15 या तो 20, क्योंकि हेडलाइट का फ्यूज़ में थोड़ा सा लोड ज़्यादा पड़ता है और रात को लॉन्ग टाइम जल के भी रहता है, तो इसलिए हेडलाइट में थोड़ा हैवी फ्यूज़ लगाना है। हमने नया फ्यूज़ लगा दिया है और अभी हेडलाइट जला के देखते हैं, मेरे ख्याल से अभी हो जाएगा। हाई बीम लो बीम कीजिए कीजिए, ठीक से, ठीक है हो गया हो गया। क्या वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है, वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप लोग का गाड़ी में भी अगर हेडलाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग भी ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। तो चलिए ये वीडियो करते हैं यहीं पे एंड।